हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 11:11। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। तो सारे साइंस के लिए रीडिंग है आज की। और जो रीडिंग का टॉपिक है आज का, वो ये है कि आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है या कौन लाइक करता है। हु इज़ इन लव विथ यू, विल दे कन्फेस? क्या वो अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने कन्फेस करेंगे या कर पाएंगे? क्या होगा उनका एक्शन आपके लिए? यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स। चलिए जी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए, कौन है ये पर्सन, कोई है सीक्रेटली? तो यहाँ पर फोटोग्राफ है, ओके? तो हम यही सवाल आज कर रहे थे, कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, लेकिन आपको बता नहीं रहा। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो ओके, तो देख लेते हैं और कुछ यहाँ पे हमारे कार्ड्स आते हैं। क्यूपिड एरोज है, फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज। और यहाँ पे है जी द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ओ माय गॉड, ओके, टॉकिंग। तो ये जो भी पर्सन है यहाँ पर देखो किसकी एनर्जी है, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। एंड यहाँ पर भी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिसेंटली बातचीत तो कर रहे हो, आप कहीं पर भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, फेसबुक पर भी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, बातचीत चल रही है अभी भी आप दोनों के बीच। मुझे यहाँ पर दो सिचुएशन, दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो कौन हो सकते हैं। एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जिसके साथ आपका कार्मिक कुछ रिलेशनशिप या कार्मिक आपका इस पर्सन के साथ कोई लेसन रहा है, ठीक है? इसीलिए शायद इस पर्सन को आपकी लाइफ में आना था और आपको ये लेसन देना था, ठीक है? बट इनके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कार्मिक का मतलब ये भी होता है समटाइम्स कि कोई ऐसा इंसान हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग जो हमारे कार्मिक्स होते हैं, मतलब वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए आते हैं और हमें लेसन देकर चले जाते हैं। बट कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ कड़वी मीठी, कोई अच्छी यादें, कभी बुरी यादें, वो हमारे साथ रहती हैं या वो हमारी वो यादें ले जाता है अपने साथ, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन आपको पसंद करते थे लेकिन शायद बता नहीं पाए, कभी भी आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाए ये पर्सन के यस दे लव यू। बट आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी ज़रूर फील होगी इस पर्सन के बारे में कि यार हाँ, दिखता तो है, समझ तो आता है कि ये बंदा मुझसे कुछ कहना चाहता है, या इसकी आंखों में, इसकी नज़रों में वो प्यार, वो झलक, वो फील होती है मुझे। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि आप दोनों ने कोई पिक्चर्स वगैरह साथ में कहीं पर गए हो, कहीं पर साथ में पिक्चर्स ली हैं, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, या आप दोनों ने साथ में इकट्ठे कोई वर्क किया है, कोई बिजनेस कोलैब किया हुआ है, ठीक है? और वहाँ पर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हो, वहाँ पर आप दोनों की पिक्स हैं, ग्रुप में पिक्स हो सकती हैं। तो ये पर्सन जो है ये पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी फोटोग्राफ्स आपके इनके पास हैं तो ये मिस कर रहे हैं। बट जो सीक्रेट था वो सीक्रेट ही रहा, कभी भी आपके सामने ये बंदा रिवील नहीं कर पाया, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये वन साइडेड है, हो सकता है आप इस पर्सन को पसंद ना करो, आप इस पर्सन को लाइक नहीं करते हो। अब ये चीज़ उस पर्सन को फील होती थी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपकी तरफ से हो, ये वो पर्सन फील करते थे कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप रहेगा। अगर मैं एक मतलब बता भी देता हूँ उसको या बता देती हूँ उसको दैट आई लव यू, आई लाइक यू, तभी भी शायद हम दोनों के बीच जो है ना वो वन साइडेड रहे, क्योंकि आप हो सकता है अपने किसी कार्मिक से उस वक्त डील कर रहे थे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप, यस आप जो मेरे व्यूअर मुझे यहाँ पे देख रहे हो, आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप में था, आप उसके साथ डीलिंग करने में बिजी थे, आप दिन रात वहीं पर अपने सारे इंटेंशंस देते थे और इस व्यक्ति को, इस पर्सन को पता था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। तो अगर इस सूरत हाल में या अभी इस वक्त मैंने अपनी दिल की बात उसको बता दी आपके लिए, मतलब आपको बता दी,
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वन साइडेड एक रिलेशनशिप रह जाएगा। मैं हमेशा इसी दुख में पेन में जलती रहूँगी या जलता रहूँगा, मैं कभी भी उसे हासिल तो कर नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो तो इस वक्त किसी और के साथ बिजी है या फिर वो लेट गो नहीं कर पा रही है उसको अभी तक। तो उस पर्सन को शायद ये चीज़ आपको बताना सही नहीं लगा उस वक्त, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी कुछ भी हो, सिचुएशन आप दोनों के बीच कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कभी भी इस पर्सन ने फेथ नहीं हारा। इस पर्सन को हमेशा ये लगा कि नहीं, मुझे क्या पता कभी ना कभी वो उस पर्सन को लेट गो कर ले और मेरी फीलिंग्स को समझ ले या मुझे उस नज़रिए से देख सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस पर्सन को हमेशा आपकी तरफ आने से पहले रोकती थी, या ये हज़ार बार सोचते थे। इस पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आप इस पर्सन की कमियाँ निकालते थे। मुझे कुछ ऐसी फील हो रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, दिख रहा है मुझे, जैसे कि आप दोनों बातें कर रहे हो और आपने इनको ऐसे शट अप कॉल दे दी कि चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो यू नो, इस पर्सन को लगा कि ओ माय गॉड, ये तो मतलब मुझे कुछ समझती ही नहीं है कुछ समझता, ये तो सिर्फ मेरी तरफ से है जो भी है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। मे बी आप दोनों ने साथ में वर्क किया है इकट्ठे, या फिर आप दोनों साथ पढ़ते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ तो यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी सा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मुझे, पिंक कलर दिखाई दे रहा है मुझे, रेड और वाइट कलर दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी ये जो सूट्स आप पहनते थे रेड रेड एंड वाइट कलर, तो इनकी नज़रें आपकी तरफ से हटती नहीं थी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके साथ कभी किसी डांस पार्टी वगैरह में आपको ज़रूर बोला होगा कि आज मेरे साथ डांस पार्टी में, मतलब क्या उसको कहते हैं, जो डांस होता है पार्टी होता है, तो उसमें वो पार्टनर ढूंढते हैं ना, इन्होंने आपको ऑफ़र की थी पार्टनर के लिए, लेकिन शायद आपने इनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी, या अगर एक्सेप्ट की भी थी तो बेमन से की थी, कुछ खास नहीं, बस आप उनको जस्ट फ्रेंड जोन में रखते थे। मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से इतना ज़्यादा नहीं था, आपकी तरफ से ये था कि ठीक है अगर ये बंदा मुझसे कन्फेस करता भी है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो भी आई एम ओके, मुझे कोई खास परवाह नहीं है कि ये मुझसे कन्फेस करे या ना करे। क्योंकि आपका जो फोकस था, आपकी जो एनर्जीज थी, वो शायद अभी भी अपने पास्ट पर्सन की तरफ थी या अपने कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ थी। आप उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इस तरफ नहीं थे, या अगर आप अट्रैक्टेड थे भी इस तरफ, अगर आपको ये था भी कि चलो ठीक है अगर ये मुझे पसंद करता है या करती है तो एटलीस्ट ये कन्फेस तो करे, लेकिन आपको इतनी कोई परवाह नहीं थी। यानी करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में ओके थे, फाइन थे, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में थे, अभी भी हैं, ठीक है, जिनसे आप बातचीत करते हो, और आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि मुझे हमेशा उसकी ज़रूरत रहेगी ज़िंदगी के हर मामले में, लेकिन पता नहीं वो मुझे वो चीज़ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या दे पाएगा या नहीं दे पाएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं आप इस पर्सन की, ये जो भी पर्सन है आई डोंट नो, बट ये सीक्रेट लीव आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कभी ये पर्सन रिवील करेंगे अपने सच को। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, क्या ये पर्सन कभी बताएंगे, आप रिवील करेंगे, कन्फेस करेंगे आपके सामने या नहीं। यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइन नाइन की एनर्जी देखो कितनी सारी आई है यहाँ पर, यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ दिखा है, मैं वेट कुछ और कार्ड्स लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। सो वाई दिस एम्परर इज़ हेयर, प्लीज़ एम्परर को यहाँ पर थोड़ा सा यूनिवर्स, प्लीज़ एम्परर को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वाई दिस नाइन ऑफ सोर्स इज़ हेयर, वाई दिस नाइन ऑफ सोर्स इज़ हेयर, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ वैंड्स, ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। अच्छा मुझे यहाँ पर दो सिनेरियो नज़र आए हैं जो मैं अभी बता रही थी, मुझे एक सिनेरियो में पहले बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों को ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति हैं, ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये पर्सन बता चुके हैं अपनी दिल की हाल, अपने दिल की फीलिंग्स आपको ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं, और आप किसी कारण की वजह से उनको रिजेक्ट कर चुके हो,
ठीक है, आप नहीं चाहते शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना या किसी लव शव के चक्कर में पड़ना, आपको लगता है कि क्या यार फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा जैसे पहले किया था, और फिर एंड में आते आते जो है ये भी मुझ मेरे साथ वही सारी चीज़ें ना करे, तो कहीं ना कहीं आपका यकीन, आपका विश्वास प्यार पर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो इन्होंने आपको ऑफ़र दी थी, फिर वो छोटी मोटी ऑफ़र थी, फ्रेंडशिप की थी या जो भी थी, ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते थे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने जो है इस पर्सन की ऑफ़र को ठुकरा दिया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके साथ, अगर आपने इनकी ऑफ़र को ठुकराया था ना पहले, तो अभी इस वक्त ये पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा जगल कर रही हैं दो सिचुएशंस, ठीक है। या तो आया जाए आपके साथ दोबारा से, आपको एक ऑफ़र दोबारा दी जाए, एक कोशिश और की जाए, क्या पता कि आप मान जाओ, और दूसरी तरफ इस पर्सन का जो ईगो है वो इस पर्सन को रोक देता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, पहले भी गए थे तो क्या हुआ था, तो उसने तुमको ठुकरा दिया था, उसने तुम्हारी बात को माना नहीं था, तुम्हें कुछ समझा ही नहीं था, तुम्हें एक तरफ कोने में फेंक दिया था, उसको देखो वो कितनी इंडिपेंडेंट है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी या किसी भी और की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन ये पर्सन फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये अपने आप को बहुत रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर से आपके सामने ना आया जाए, कोशिश के बावजूद। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा पर्सन था आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपका ऐसा कोई सीन रहा था। और दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने अभी तक आपके सामने कन्फेस नहीं किया है, करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने वॉरियर टाइप के हो, आपकी एक अलग ही दुनिया है, आप एक अलग ही किस्म के व्यक्ति हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप सिंगल लाइफ भी कितनी इंजॉय कर रहे हो, आपकी एक अपनी ही लाइफ का एक थ्योरी है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप अपने दुनिया में अपनी धुन में मगन हो, आप अपना इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़े हुए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ, और उससे स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, इनको लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे। देखो अभी इनको लगता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत ख़राब रहा हो, या फिर ये इतने कोई खूबसूरत नहीं है, या इनके पास इतना कुछ नहीं है। ये पर्सन में ना थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी मुझे कमी दिख रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हो, आप इनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, मतलब आपके पास जो पैसा रुपया जो जितना कुछ आपके पास है, आप हो सकता है कि सोशल साइड पर भी बहुत ज़्यादा जैसे कोई लोग होते हैं ना सोशल बटरफ्लाई होते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद ये आपके कंपेटिबल नहीं है या आपके बराबरी के नहीं है। ये इस पर्सन के अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर दिक्कत मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। दूसरी जो दिक्कत मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन ना अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मैं अगर जाता हूँ कन्फेस करता हूँ तो मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, और इसीलिए ये पर्सन आपको, अगर आप बात भी करते होंगे तो ये आपको अवॉइड कर देते होंगे, या कभी कभी आपके साथ अजीब सा बिहेव करते होंगे। अगर आप दोनों मिलते हो, बातचीत करते हो, तो आपको इस पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्योंकि ये पर्सन अपनी ही बातों के जवाब अपने ही मन में बना लेते हैं, अपने ही सवालों के जवाब खुद ही बना लिए, खुद को खुद ही जवाब दे दिया। और दूसरा कि ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, इनको लगता है कि आप जगल करोगे इनको, आप दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा तो आप इनको चूज़ नहीं करोगे, आप अपने पास्ट वाले पर्सन को ही चूज़ करोगे। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी में है। यहाँ पर एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन लीब्रा, जेमिनी या क्यूरियस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर मुझे एरीज की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो मेरे व्यूवर्स को, क्या ये कन्फेस कर पाएंगे, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद क्या ये कन्फेस कर पाएंगे, आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा इस कनेक्शन का या इस चीज़ का, क्योंकि ये पर्सन अपने माइंड में बहुत सारी गुत्थियाँ पहले से ही उलझा कर बैठे हुए हैं। इस पर्सन को शायद आपने एक बार रिजेक्ट किया, या फिर आप शायद दिखाते नहीं हैं उस तरह से, या फ्रेंड जोन में रखते हो, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन ये डबल माइंडेड बंदा है, डबल माइंडेड पर्सन है।
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे सिनेरियो कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि एम्परर है तो वो जगल कर रहा है कि मन ही मन में आपको पसंद तो करता है, प्यार तो करता है, लेकिन ये जगल कर रहा है कि क्या आपको बताया जाए नहीं बताया जाए, बताएंगे तो क्या होगा, नहीं बताएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर बताएंगे तो क्या आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाओगे, आप तो इनको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि तो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड हैं, लेकिन मन ही मन में इस पर्सन को आपसे प्यार हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या किया जाए, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को, तो जगल कर रहे हैं ये इस चीज़ को, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये मैरिड पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको या यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, पेडिस्टल पर, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन ये आपको इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ही ओवर हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे और पता नहीं आप क्या सोचो उनके बारे में। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की भी दोबारा टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है, बहुत कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, लगता है कि देख रहे हो कि ये उसको किस कर रहा है लेकिन ये मुंह बना रही है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को लगता है कि आप अगर ये कन्फेस करेंगे और आपको बताएंगे तो आप बुरा मानोगे, आप इनके लव को, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर इन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मेल फीमेल डजंट मैटर, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप इस एनर्जी में हो। तो इस पर्सन को लगता है कि कहाँ आप कहाँ मैं, हमारा तो कोई कंपेयर ही नहीं। हालांकि ये एम्परर है ये बंदा, एम्परर का मतलब ये है कि ये पर्सन सेल्फ मेड है और इस पर अपनी फैमिली और घर की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, और साथ साथ ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो या मैरिड हो, लेकिन ये उस मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। आपको जब से इन्होंने देखा है ये बंदा पागल दीवाना हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन भी है, सो बी केयरफुल। तो ये पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप इनके बारे में बुरा सोचोगे, जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई पर्सन आके आपको अपना लव रिवील कर दे कि भाई मुझे तो तुमसे प्यार हो गया, हालांकि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो सोचो आप क्या सोचोगे, आपको अजीब ही लगेगा ना कि यार एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी किसी के साथ है। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और ये पर्सन ने पहले आपसे ये सारी चीज़ें छुपाई थी कि ये किसी के साथ कमिटेड है, आपको पता ही नहीं था। अब अगर आपको पता चलेगा तो भाई आप तो इनको ज़ोरदार धक्का दोगे, आप तो इनकी ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट करोगे, आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। तो यही दो चीज़ें हैं जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन कन्फेस करेंगे, मुझे लग नहीं रहा। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर ये कन्फेस करते भी हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने ही माइंड में अभी इल्यूजन्स में पड़े हुए हैं, अपने सवालों के जवाब पे खुद ही बना रहे हैं, और इस चीज़ों के चलते हुए ये आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। और समटाइम्स देखो है तो सही दिलचस्पी आपके साथ, प्यार भी है, ठीक है, लेकिन इनका इतना कुछ माइंड में चलता है कि फिर वो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। और फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि कुछ खास इतनी अच्छी नहीं एनर्जी होती है इस पर्सन को, आप या तो आप दोनों की हमेशा बहसबाजी होती रहती है, या तो इस पर्सन को लगता है कि मैं कोई ऐसी बात इनकी तो थ्रोट चक्रा भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा है, इस पर्सन को लगता है कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो हम दोनों का कोई झगड़ा वगड़ा होने के चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। अगर ये कन्फेस आपके सामने करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे, ये देर करेंगे, इतनी जल्दी तो ये अपनी दिल की बात, अपने मन की बात आपसे कहने से रहे, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये कन्फेस करेंगे, ठीक है। कन्फेस अगर करेंगे भी तब मुझे नहीं पता आपका क्या रिएक्शन होगा, ये तो आपको ही पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन हाँ है तो सही इनका मूड कन्फेस करने का, लेकिन अभी नहीं, ये अभी तो थोड़ा सा अपने ईगो में भी है। अगर इन्होंने कन्फेस कर लिया है और आपने इनकी बात को समझा नहीं है तो फिर ये तो बंदा बहुत ही अपनी ईगो में है कि दोबारा कैसे जाऊँ, दोबारा कैसे बात करूँ। लेट्स सी, कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या पता मैसेज के थ्रू हमें कोई ना कोई बात ऐसी इनकी समझ आ जाए। हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि थोड़ा कन्फर्म हो जाए कि ये पर्सन कौन है, इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, यस बिल्कुल हो सकता है ये आपके फ्रेंड जोन में है, या आपने इनको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है लेकिन ये फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है, तो ये फ्रेंड से ज़्यादा आपकी तरफ सोचते हैं या बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये बताना चाहते हैं आपको कि मैं कैसा फील करता हूँ तुम्हारे लिए, बट बता नहीं पाते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जब आप दोनों मिले थे फर्स्ट टाइम, या कोई आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है ज़रूर, या कोई ऐसा दिन स्पेशल रहा है आप दोनों के, वो चीज़ उनको अभी तक याद है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत आप ज़्यादा इस पर्सन की सोचों में लगे रहते हो भाई, आप इनकी सोचों पे
क्या कहते हैं काबू करके बैठे हुए हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पहले सही नहीं थे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो ये जो कभी कभी आपको अजीब सा बिहेवियर करते हैं ना, तो ये विश कर रहे हैं कि काश मैं वो बिहेवियर ना करूं या मैं तुम्हें सही से ट्रीट करता। अगर आप इनसे नाराज़ हो या बात नहीं कर रहे हो, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम यूर पेन, तो ये ना कभी कभी ऐसी उल्टी सुलटी जो हरकतें हैं ना, ये गड़बड़ वाली जो करते रहते हैं उलपटंग, तो ये कभी कभी आपको बहुत हर्ट कर देते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, इस पर्सन को पता है कि हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ भाई, दिल के हाथों मजबूर हूँ, कुछ किया नहीं जा सकता है। दिल के हाथों जब बंदा मजबूर हो जाता है ना, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता है, क्या करें। तो यही हाल कुछ इस पर्सन का भी है, अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये दिल के हाथों बड़े मजबूर हैं, और अगर मैरिड नहीं भी है ना तब भी इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो भाई, ये बात तो यहाँ पर पक्की तय है। लेट्स सी, हम यहाँ पर कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे ना आज सॉन्ग्स भी देखने चाहिए, क्या पता कोई सॉन्ग ये आपको बोलना चाहते हो, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स मुझे ऑलरेडी चैनल्ड हो रहे हैं। छुपाया भी नहीं जाता, वो सॉन्ग नहीं है, बताया भी नहीं जा, कुछ ऐसा ही है ना, हमें तुमसे मोहब्बत है, कैसा है सॉन्ग, बताया भी नहीं जाता, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। लेकिन मैं, मेरे पास जो यहाँ पर सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, मैं इनमें से देखना चाहूँगी। अभी आपके सामने ही निकालते हैं इन सॉन्ग्स को ना, मैं इन स्टोन्स के साथ एक्टिवेट रखती हूँ, ताकि बहुत मेडिटेशन और एक्टिवेशन करनी पड़ती है हर चीज़ की, आपको नहीं पता, क्लींजिंग करनी पड़ती है। टैरो रीडर बनना इतना आसान नहीं है अपनी एनर्जीज को क्लीन रखना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। अच्छा, ये आ रहा था, चलो ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी, पहले मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, बताती हूँ आपको। एफ है यहाँ पर, एम एस, कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है ये फेमस हैं आप हो या ये हैं। जी है यहाँ पर, वी है, ई है, एन है, इनके पास कैट हो सकती है, या फिर ये आपको बहुत इंट्यूटिव कैट की तरह बबली शबली देखते हैं। एफ है यहाँ पर, ये आपको अपना दिल देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। एच है, आई है, तो ये आपको हाई ऐसे जब भी मैसेज करते होंगे ना, एच आई हाई ऐसे करके लिखते होंगे ज़रूर। यहाँ पर जी है, तो ये आपको हग करना चाहते हैं, आई डोंट नो, बहुत नॉटी नॉटी सी फीलिंग्स इनकी हैं भाई, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग है, तेरे होके रहेंगे, इन्होंने तो ज़िद पकड़ ली है, तेरे होके रहें, आई थिंक ये इमरान हाशमी का सॉन्ग है, ये दिखते भी कुछ कुछ इमरान हाशमी जैसे ही है, मुझे ऐसा सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अजनबी, मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, तो ये अजनबी हैं कुछ लोगों के लिए, फ्रेंड जोन में हैं, या अभी तक कुछ अजनबियत ही है, कुछ खास जान पहचान नहीं है, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल साइट पर ही देखते हो एक दूसरे को। दिल डूबा दिल डूबा, ओ दिल डूबा दिल डूबा, ऐसा है ना ये सॉन्ग, नीली आंखों में दे दिल डूबा, आपकी नीली आंखें हैं या जो भी हैं, बहरहाल इनका तो दिल जो है वो डूब चुका है ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू ऑल।